पहले स्वतंत्रता संग्राम में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले भीमा नायक की शहादत की 143वीं पुण्यतिथि पर बड़वानी में गृह मंत्री बाला बच्चन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाला बच्चन ने बताया, भीमा नायक की शहादत को कोई भूल नहीं सका। क्षेत्र के इस वीर सपूत ने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर गरीबों में बांटा था, जिससे अंग्रेज भी उससे डरते थे। उन्होंने कहा, ऐसा वीर सपूत की शहादत युगों युगों तक गूंजती रहेगी, इसके लिए हमें अपने युवाओं को उनकी शहादत से अवगत कराना होगा। हमने उनसे जो सीखा है और जो मकसद और उद्देश्य जो उनका जो था लड़ाई का, हम लोगों को एक तो आज़ाद कराना, फ्रीडम दिलाना, और उसके बाद जो जो मकसद था कि तरक्की और उन्नति का क्षेत्र का हमारे प्रदेश और देश का, उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे जो चलते हुए पूरे मध्य प्रदेश का सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज के दिवस पर।